इन्होंने तो 150 लोगों का जिम्मा उठा रखा अविनाश जैन। मैं कह रहा हूँ आप एक इंसान का तो उठा कर देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है। आजकल पता है क्या दिक्कत है कि इंसान अपने ऊपर खर्च करने में हिचकता है, अपने ऊपर भी वो कोई खर्चा नहीं करता है। उधर देखो बेटा, वहाँ से हाउ निकल के आएगा अभी, ठीक है, हमें बिल्कुल शांत बैठना है, वहाँ से हाउ निकल के आएगा अभी, ठीक है, सारे चुप हो जाओ, ठीक है। हाउ से डर किस किस को लगता है, आपको लगता है ना, झा कर दे एक बार सारे झा, हाँ उधर देखो डेली के, चाहे यहाँ पे फीमेल्स जो रह रही हैं उनके आप सोचो कि कितनी चीज़ों के दवा दारू तो नहीं है यार, ठीक है, दवाइयों पे इतना खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंस में होती हैं, पर एक इंसान बिना शिकायत के सबका खर्चा उठा रहा है और वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि सिर्फ आप लोग उसको सपोर्ट करो। इन वीडियोस को आप शेयर करो, यहाँ पर आओ, इन बच्चों से आप मिलो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको कई लोग कहते हैं कि जी हमें एडॉप्शन करना है, यहाँ पर एडॉप्शन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग क्या हो? चवन्नी। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं चवन्नी से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये बच्चे ना यहाँ पे माइका स्वीट होम में रह रहे हैं, कोई अपनी मदर के साथ रह रहा है, कोई अपनी बहन के साथ रह रहा है, कोई अपनी मासी के साथ में रह रहा है। आप लोगों ने हमारी वीडियोज को ना यार बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अब कई हमारे पास मैसेज आते हैं कि हमें गोद लेना है। भाई क्यों दे गोद, ये बच्चे जब रह रहे हैं, कोई अपनी बड़ी बहन के साथ रह रहा है, कोई अपनी मासी के साथ रह रहा है, ये एक अनाथ आश्रम है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं ना, मतलब कुछ ही केसेस होते हैं कि जो बिल्कुल अकेले आ रहे हैं, जैसे पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया कि भाई एक बच्चा यहाँ मिल गया, तो वो बहुत कम केसेस होते हैं। वरना मोस्टली केसेस ऐसे हैं कि कोई अपनी मदर के साथ में है, जैसे भाई उनके पिताजी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया या ससुराल वालों ने परेशान किया, तो माँ अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गई। तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट है, तो इसीलिए तो इसका नाम माइका रखा गया है, माँ का घर। ऐसा कंसेप्ट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप लोग गूगल सर्च करके देख लो, आप सर्च करके देख लो यूट्यूब, या फिर आप सर्च करके देख लो अपना गांव, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट। तो यार आज ना मैं आपकी मुलाकात इन छोटे छोटे बच्चों से करवाऊंगा और देखना कि ये बच्चे कैसे आपको सारे जवाब देंगे। सबसे पहले ओम भूर्भुवस्वः सुनाओ, चलो। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को ना ये चीजें कहाँ से सिखाई गई? जो माइका है ना, ये एक अनाथ आश्रम जिसको आप लोग बोलते हो बहुत ही सिंपल भाषा में, प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत हो जाना जब मैंने अनाथ आश्रम वर्ड यूज़ किया। हम इसे माइका स्वीट होम बोलते हैं, लेकिन कई लोग ना स्वीट होम समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि कोई हॉस्टल है। लेकिन जो ये अनाथ आश्रम है ना, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि खोल के रख दिया गया, जी आ गए, रैन बसेरा है, आके लोग पड़ गए, कोई उन्हें कुछ दिया नहीं जा रहा। इन सारे बच्चों को ना यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं। ये किसने सिखाया आपको? तो अविनाश भैया ने। अविनाश भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे। और मैं कौन हूँ? दाढ़ी वाले भैया। दाढ़ी वाले भैया कैसे हैं? अच्छे। अच्छे। अविनाश भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो अविनाश भैया कौन हैं? बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस में सुना होगा अविनाश भैया, अविनाश जैन। अविनाश जैन इस माइका के फाउंडर है। आज से करीबन 30 साल पहले उन्होंने ये संस्था स्टार्ट करी थी और देखते ही देखते ये इतना बड़ा परिवार हो गया। करीबन यहाँ पे 10,000 से ऊपर महिलाएं, बहन बेटियाँ रह चुकी हैं। मुकुल, करीबन यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा बहन बेटियाँ और महिलाएं रह चुकी हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, कई लड़कियां यहाँ रह के IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है, तो कुछ बनने की तैयारी कर रही है जज, मजिस्ट्रेट, और हर एक लड़की का हेलो जो भी कर चाहता है। हेलो, मेरी बात सुनो आप, ये हेलो हेलो फोन नहीं है ये हेलो हेलो आ जाओ इधर। तो जितनी भी यहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं उन सब की एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं अविनाश जैन। अच्छा आप मेरे को एक बात ये बताओ कि आप अब पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम चीनी है, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ती हूँ, आगे जाकर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहते हो? है मेरा बेटा, आप क्या बनना चाहते हो बेटा? आपका नाम क्या है? अमन। आपका? मेरा नाम अलीशा है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ, आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो, चलो जी बहुत बढ़िया। आप? मेरा नाम सनम है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, आगे जाके सिंगर बनना चाहती हूँ। सिंगर। गाना सुनाओ बेटा, एक गाना सुना दो। सुनाओ।
यीशु तेरी आराधना सारी बंदना तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंदना तोड़ देंदी। अदो ताली। हाँ, आप क्या बनना चाहते हो? उधर देख के, उधर देख के। मेरा नाम हर्षिता है, मैं सेकंड में पढ़ती हूँ, आगे जाके सिंगर बनना चाहती हूँ। सिंगर? आजा बेटा एक और गाना सुना दो, आज तो सारा इंडियन आइडल यहीं आ गया है। आजा 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 आजा। तेरे ओटो पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता न जिया तेरे बिन गैर, तू मान मेरी जान, मैं दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में यूं ताके रखूंगा, तू मान मेरी जान, जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान। शाब, ताली बजाओ अपने सारे। हाँ जी, आपका नाम क्या? उधर देखो, उधर 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 देखो, उधर देखो, उधर टॉफी बैठी है, बट बताओ नाम क्या है आपका? क्या नाम है? मुकुल। क्या नाम है? मुकुल। उधर देखो एक बार, उधर देखो, बोलो क्या नाम है? मुकुल। मुकुल, मुकुल क्या बनना चाहता है? पुलिस। पुलिस, पुलिस क्यों बनना चाहते हो बेटा? आप पुलिस क्यों बनना चाहते हो? सब बच्चों को जेल में बंद करना। बच्चों को? अच्छा, सबसे पहले बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? मैं 5। ये पकड़ो। मैं 4। 4? बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते ना, ये 5 ही है अभी, 4 ही होता है, ठीक है? पकड़ो आप ये। हाँ, सुबह कितने बजे उठते हो? 5। क्या अपने आप उठ जाते हो, कोई उठाता है? दीदी उठाती है। दीदी उठाती है। फिर उसके बाद तैयार हो जाते हो स्कूल के लिए? सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? सैंडविच। सैंडविच मिले थे आज? सैंडविच। और लंच में क्या लेके जाते हो? लंच में भी सुबह का खाना। अच्छा, सो सो सैंडविच है ना। और आके क्या खाया? आके हमने खाया दाल चावल और सब्जी, रोटी और ब्रेड। और खाना कैसा मिलता है यहाँ पे? अच्छा, बहुत अच्छा। आपको, आप पहले कहाँ पे रहते थे? घर पे। गाँव में रहते थे? आप इधर आओ मेरे पास, पहले आप आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ दे बेटा एक बार देने, मुकुल हट जा बेटा, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। पहले कहाँ रहते थे बेटा? गाँव में। यहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता है? मिलता है। तो अच्छा कहाँ खाना मिलता है? यहाँ पे। यहाँ पे? तो फिर वहाँ पे आप क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी। वहाँ पे नहीं पढ़ाते थे? कैसा लगता है पढ़ना? बहुत अच्छा। मज़ा आता है पढ़ाई करने में? तो ऐसी आगे पढ़ाई करनी है ना। आप आ जाओ बेटा। आप पहले कहाँ रहते थे? गांव में। गांव में, तो वहाँ पे पढ़ाई होती थी? नो। तो फिर यहाँ क्यों आ गए आप? यहाँ मैं पढ़ने के लिए आई हूँ। तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी? नहीं। फिर यहाँ पे आके पढ़ाई हो रही है? यस। जो भी मतलब आपको नोटबुक्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको? हाँ। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कोई मना कर देता है? कुछ चीज़ नहीं मना करती। सब मिल जाती है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा फ्रूटी कौन पीता है यहाँ पे? कितनी फ्रूटी पीते हो एक दिन में? इधर आ जा, तू इधर आ। अच्छा 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 अच्छा। कितनी फ्रूटी पीते हो एक दिन में? नहाए नहीं हो ना सुबह? नहीं नहाए हो ना। अच्छा, पैंट में सुसु कौन करता है बीबी? पैंट में कर देते हो बेटा? यार ये शर्मा गया यार, ये पैंट में सुसु कर देते हो? बाहर करते हो? बाहर कहाँ करते हो? टॉयलेट में जाके? अच्छा, मेरे को आप लोग ये बताओ कि जब आप यहाँ पे आते हो शाम को प्रेयर करते हो, तो आपको क्या सीखने को मिलता है प्रेयर से? प्रेयर में अच्छी बातें। क्या अच्छी बातें सीखने को मिलती है? पकड़ो आप, क्या अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती हैं वहाँ? नमोकार मंत्र और पूजा करना। तो आपको ये सारी बातें किसने सिखाई हैं? अविनाश भैया ने। तो उन्होंने क्या सिखाया आपको?
बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ सिखाया है। जैसे अविनाश भैया सारी बातें करते हैं, या फिर आस्था दीदी हो गई, या फिर खुशबू दीदी हो गई, तो आपको सारी बातें सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपको बड़े होके किसके जैसा बनना है? भैया की तरह। देखो क्या होता है ना, कि हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। ये बच्चे जब अपने घर में रह रहे थे ना, तो क्या देख रहे थे? लड़ाइयाँ देख रहे थे, गांव में घूम रहे थे पूरे टाइम पे, ना पढ़ाई की व्यवस्था थी, सिर्फ आसपास में बहुत बेकार माहौल था। पर जब ये यहाँ पर आए, तो यहाँ पर कौन इन्हें सिखा रहा है? जो इनसे बड़े हैं। बड़े कौन? अविनाश भैया हो गए, या फिर खुशबू, आस्था, जया, फिर गीतांजलि, जिन लोगों की आपने वीडियोज़ देखी हैं। अब ये जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पर रह रही हैं, वो सारी कहीं ना कहीं ऐसे माहौल से निकल कर आई हैं, वो सारी समझदार हैं। तो वो क्या कोशिश कर रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, उन सबको बहुत पॉजिटिव बातें सिखाएं, और वो पॉजिटिव बातें इन छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रही है, इनके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रही है। क्या हो गया बेटा, नीचे टॉफी दिख रही है? बैठना है आपको? आ जाओ गोदी में, आ जाओ। सुसु तो नहीं करोगे ना? आ जाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आप बच्चे को, छोटे बच्चों को जैसा माहौल आप प्रोवाइड करते हो, वैसे ही उसकी परवरिश होती है, वैसा ही आगे वो बड़ा होता है। मुकुल, कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? LKG में। ABCD आती है? 1 2 3। इन सारे बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी परवरिश मिल रही है। अच्छा, खाना कैसा मिलता है? बहुत अच्छा। मजा आता है? Yes. सबसे ज्यादा क्या पसंद है बोलो, शर्मा, बिना शर्माए। आए हाय, हाँ, क्या पसंद है? हा? क्या सबसे ज्यादा क्या टेस्टी लगता है? भिंडी। भिंडी। आपको? भिंडी। आपको? भिंडी। एक तो नहीं, तुमने सारे एक दूसरे का देख के मत बोलो। अब भिंडी कोई नहीं बोलेगा। भिंडी के अलावा क्या पसंद है? बैंगन की सब्जी। बैंगन की सब्जी। आपको? राजमा। आपको? मुझको राजमा चावल। राजमा चावल। आपको क्या पसंद है बेटा? फ्रूटी। बोलो फ्रूटी। पराठे नहीं, फ्रूटी बोलो ना। फ्रूटी। आपको क्या पसंद है? केला। केला? चीला। अच्छा, चीला भी। खीरा। 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 अच्छा अच्छा, मोमोज किसको पसंद है? तो आज मोमोज खाएंगे शाम को। वाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ना, देखिए, आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग भी ना माइका को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो यार, हमारा ना यहाँ पे ये बैंक डिटेल्स है, नीचे पेटीएम नंबर मेंशन है। मुझे ना बहुत शर्म आती है ये कहते हुए, कि कई लोग, जो एक दो लोग हैं ना जिनको चुल होती है, जो कमेंट में कहते हैं भाई ये तो फेक है। मैं तो यार इतना दावा करता हूँ कि भाई एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप आके देखो ना एक बार। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार देखो, और आप यहाँ पे बैठ के मेरे साथ वीडियो बनाओ कि हाँ जी, हमने कहा था फेक है, और आप तो यहाँ पे सब कुछ फेक कर रखा है। पता है, किसी के बारे में ना गलत बोलने से पहले आप सोच लो कि एक इंसान धर्म का इतना बड़ा काम कर रहा है, और आप नीचे कमेंट में लिख देते हो फेक है। मैं तो कहता हूँ, अगर भैया अविनाश जैन फेक है, अरुणेंद्र सेवन फेक है, अगर हम लोग फेक है ना, तो मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में सारे लोग फेक होने चाहिए। आप भी फेक बन जाओ। आप फेक बन के ये काम करो तो सही। आप, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तो 150 लोगों का जिम्मा उठा रखा अविनाश जैन, मैं कह रहा हूँ आप एक इंसान का तो उठा कर देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है। आजकल पता है क्या दिक्कत है, कि इंसान अपने ऊपर खर्च करने में हिचकता है, अपने ऊपर भी वो कोई खर्चा नहीं करता है। उधर देखो बेटा, वहाँ से हाउ निकल के आएगा अभी, ठीक है, हमें बिल्कुल शांत बैठना है, वहाँ से हाउ निकल के आएगा अभी, ठीक है, सारे चुप हो जाओ, ठीक है। हाउ से डर किस किस को लगता है? आपको लगता है ना? झा कर दे एक बार, सारे झा। हाँ, उधर देखो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोग ना अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाते, उसमें हम लोग इतने कंजूस बन जाते हैं। और एक इंसान 150 से लेके 200 लोगों पे एक महीने का खर्चा कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कितना खर्चा यहाँ पे आता होगा। बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, छोटी छोटी चीज़ें, 5 मंजिल की इमारत बन रही है ये, इसमें इतना खर्चा लगता है डेली के। चाहे यहाँ पे फीमेल्स जो रह रही हैं, उनके आप सोचो कि कितनी चीज़ों के दवा, दारू तो नहीं है यार, ठीक है, दवाइयों पे इतना खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंस में होती हैं। पर एक इंसान बिना शिकायत के सबका खर्चा उठा रहा है, और वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है? कि सिर्फ आप लोग उसको सपोर्ट करो, इन वीडियोस को आप शेयर करो, यहाँ पर आओ, इन बच्चों से आप मिलो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको कई लोग कहते हैं कि जी हमें एडॉप्शन करना है, यहाँ पर एडॉप्शन नहीं है,
ना यहाँ पे शादियों के लिए, ना यहाँ पे एडॉप्शन होता है। यहाँ पे आप लोग विज़िट करो तो सिर्फ और सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब कोई यहाँ पे बेटा बर्थडे सेलिब्रेट करने आता है तो आपको क्या मिलता है? केक। क्या मिलता है? गिफ्ट। गिफ्ट। आपको क्या मिलता है? गिफ्ट। आपको हैं, चलो केक मान लेते हैं। आपको मुकुल तो यार हंसता ही बड़ा प्यार है, आपको क्या मिलता है? केक। लेकिन उसके साथ पता है बेटा आपको क्या मिलता है? केक तो मिलता ही है, गिफ्ट भी। आपको क्या मिलता है? जो भी लोग आते हैं उनका प्यार। क्या मिलता है? प्यार। और क्या मिलता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद, है ना। तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज माइका इतना बड़ा बन चुका है। ऐसे आप लोग हमें सपोर्ट करो, हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहो, क्योंकि यार हमने ये कोशिश की है कि चाहे कोई भी महिला इस देश के किसी भी कोने में अगर परेशान है ना, वो हमसे इस नंबर पे संपर्क करे। रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपके बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है उसे सोल्व की जाएंगे। कई महिलाओं के कमेंट आते हैं कि हमारे पति ना हमें मारते हैं, हम अपने पति के साथ खुश नहीं हैं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, दारू पीकर वो हम पर हाथ उठाते हैं। आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा, एक बार आप हमारे कॉन्टैक्ट में आकर तो देखो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को प्यार देने के लिए। ऐसे ही हम लोगों को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच। ये लो बेटा पेन, इससे आप पेपर लिखना अपना, ठीक है। इतिहास लिखोगे बेटा आप इस कलम से। जाओ, थैंक यू सो मच।